इसके आगे आप लेफ्ट साइड यहाँ देखोगे तो इस साइड बॉर्डर है इंडिया का और ये लास्ट विलेज है इंडिया की इस साइड से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। जस्ट अभी उठा हूँ यार, 9:30 बज गए हैं और संडे है। सोच रहे हैं कुछ करते हैं, आज कोई प्लान करते हैं। अभी थोड़ा सा करते हैं सेटअप, उसके बाद साहिल आया, अजय आया, लगा लो महीना हो गया यार, मैं मिला नहीं दोनों से, तो आज मिलते हैं, करते हैं कुछ प्लान, करते हैं प्रबंध। सो यार गाइस, घर से भी निकल गए हैं यार, साहिल और अजय निकल चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा सेटअप कर रहा था, आई थिंक यहीं से निकले हैं। कहाँ लेके जा रही हो हम नशे दीपिका? ये देखिए, हम दीपिका को देख रहे हैं लाइव। दीपिका कहाँ जा रही हो? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लद्दाख का एक्सपीरियंस है, सामने सेंट्रल आ रहे हैं, इनको जाने देते हैं पहले। अभी हमको बहुत दूर जाना है, यहाँ से हमें लग जाएगा मिनिमम 40-50 मिनट, तो मान के चलो। बाइक पूरा स्पीड में आती है भाई साहब, अभी मैंने बाइक के टायर जो है स्प्लेंडर के टायर से मोटर लगाए हैं, मतलब 1 या 1.5 साइज बड़ा टायर है जो अभी इसमें है, तो ड्रिप मस्त देता है। तो जो तूफान चला था शायद उससे पेड़ गिर गया यहाँ पे, और थोड़ी सी रोड खराब। लेह लद्दाख 2.0 गाइस, पर लेह लद्दाख वाली जैसी रोड हमने करी थी अभी अपनी अल्टो से। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो क्या देखा यार, अपने ट्रैवल व्लॉग नहीं देखते आप, क्या बात है यार, ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात होती है। सो गाइस, बस पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे, दो दो स्प्लेंडर अपने साथ, ये देखो द राइडर्स, बिना हेलमेट के राइडर्स अपने साथ, मॉडल सर जा रहे हैं, मॉडल सर व्हाट्सअप, सामान समून लिया जा रहा है पार्टी का पूरा, मस्त चिकन चुकन लेंगे वहाँ पे, नॉन नून लेके फुल पार्टी होगी, बूम बम, जिसके लिए हम आए थे, इतने दूर सफ़र कर लिए इतनी गर्मी में, मजा आने वाला गाइस, बने रहो हमारे साथ फटाफट। ये होती है देसी पार्टी की तैयारी, हमने ब्लॉगर के लिए ली है क्योंकि वो जिम करता था, उसे ये ब्राउन ब्रेड ही चाहिए। अरे सर थैंक यू, हम ये साथ ही ब्रेड खाएंगे भाई, हम देसी बंदे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठा साले, ये ब्राउन ब्रेड यही खाएंगे, बाद में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर सही है। गाइस पूरी ऑफ रोड यार, पैर ना पानी में चला गया, बीच में पानी में खड्डा था पता नहीं चला, ये देखो। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे रोड खराब है, इसके आगे बस पहुंचने वाले हैं अब। नाले में गिर जाएंगे साले। फाइनली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये रही अपनी डेस्टिनेशन कुछ। सो आज हमारे प्लानिंग था यहाँ पे संडे, संडे एंड चिल, तो अपनी पार्टी चल रही है फुल गाइस। फ्रूटी गुम हो गई है, बाइक फ्रूटी ढूंढ रहा पानी में। मजा आया यार, कसम से कह रहा हूँ बहुत मजा आया, ऐसे मजे ना कहीं जिंदगी में नहीं आ सकते गाइस, और ये मजे अपने जो गांव में आते हैं ना वो कहीं नहीं आ सकते फुल, मतलब अपने भाइयों के साथ मजा आ गया यार। अभी और नहाएंगे, फिलहाल फोन की स्टोरेज ना पता नहीं स्टोरेज और सीन है इस फोन में या स्टोरेज बड़ी जल्दी फुल हो जाती है, शायद 4K है इसलिए जल्दी हो जाती है, बट अभी थोड़ी क्वालिटी कम की है तो रिकॉर्ड करते हैं,
भाई टाइमलेस कैसा लगा? टाइमलेस अच्छा लगा ना, इस पर कमेंट करके जरूर बताना, फिर और टाइमलेस बनाएंगे। ये लगा लो 15 मिनट का टाइमलेस था जो आपने देखा अभी, और ये सिर्फ 10 सेकंड का बना बस। भाई वो लाइट जली गई है, बैठे हैं बेचारे लाइट के इंतजार में दोनों। हेलो बच्ची उड़ा आवाज नहीं आ। चल ठीक है, ठीक है चलो गाइस निकलते हैं यार। बड़ा मज़ा आया आज का दिन, बहुत ही सही था। और हम आए थे अरनिया, बोर्ड आपने देख लिया हुआ, नहीं देखा तो बता देता हूँ। हम आए थे अरनिया और अब चल पड़े घर की तरफ, फटाफट से निकलते हैं घर, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सुबह में आया था एक्चुअली 9:30-10 बजे और अभी टाइम हो चुका है 4। ये थी अपनी इंडिया इस लास्ट विलेज अरनिया, इसके आगे आप लेफ्ट साइड यहाँ देखोगे तो इस साइड बॉर्डर है इंडिया का, और ये लास्ट विलेज है इंडिया की इस साइड से, इसके साथ आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसा सच कुछ प्लान था नहीं गाइस रुकने का, पर 8 सेकंड यार ये व्यू देखो आप, ये देख रहे हो खेत और ये बीच में रोड और इस तरफ खेत। गाइस एक नंबर जहर व्यू गाइस, मतलब सच्ची व्यू आता ना जो, मतलब मज़ा आ गया यार देख के, मज़ा आ गया। अच्छा का फुल डांस चल रहा है, मिस कर दिया तो फिर से एक बार रिपीट में देखो। चलो ये बज रही होती है, रोड थी नहीं इतना से, मतलब बहुत सही रोड बना दिया यार, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि रोड खराब है। ऐसे मैं आया बड़ी देर बाद हूँ, सही है यार अब लोग बहुत सही बना दिया, मज़ा आ जाता है वहाँ पर बाइक चला के।